بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حضرات اجدائی عظیم الشان فقید المثال تبلیغی و اصلاحی پروگرام دعا فرماؤ اللہ اس پروگرام نو کروان والے سنن والے سنان والے اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے سب واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. میں انشاءاللہ تھوڑے جے وقت اندر ایک پیغام ایک اہم میسج تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا جیدی کہ اس وقت معاشرے دے اندر اشد ضرورت بھی ہے. دعا فرماؤ اللہ سنو سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیو عمل دی نیت لے کے بیٹھے ہو, صرف حالی سن کے چسکا لین دی نیت نال نہ بیٹھے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام کائنات تک جنے بھی نبی بھیجے, نبی بدل دے رہے, شریعتاں بھی بدل دیاں رہیاں, حکم بدل دے رہے, رسالتاں بدل دیاں رہیاں, لیکن دو حکم ایسے نے جڑے ہر نبی دی نبوت اندر, ہر رسول دی رسالت اندر, ہر نبی دی شریعت اندر اے دو حکم قائم رہے نے, اے نہیں بدلے. کیڑا حکم؟ پہلا حکم اللہ دی توحید دا, او دی وحدانیت دا, تے دوسرا حکم والدین دے نال حسن سلوک دا. اے کوئی امت محمدیہ واسطے صرف سپیشل آرڈر نہیں, حضرت آدم تو لے کے امام کائنات تک اللہ نے جنیاں بھی شریعتاں نازل کیتیاں نے, ہر شریعت اندر حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین دی قدر کرنی ہے, انہاں دا ادب اور احترام کرنا ہے. افسوس نال جویں سانوں والدین دی قدر کرنی چاہی دی ہے نا, اج اسی انج نہیں کرتے پے. اسی سمجھنے آ کہ اسی باپ نو بس کما کے کھوانے آ, اے ہودا حق ادا کر رہے ہیں, ہفتے بعد مہینے بعد خرچہ دے دیتا ہے, حق ادا کر رہے ہیں. حق اے وے کہ باپ اولاد دی وجہ تو او دے چہرے تے مسکراہٹ رہے, او دا دل خوش ہووے. باپ نو خوشیاں دیا کرو, ماں نو خوشیاں دیا کرو. اسی ایسیاں گلاں, نزیبا گلاں, چوبنیاں گلاں ماپیاں نال کرنے ہاں
कि जिन्हों की वजह तो उन्हों का दिल दुखद है, उन्हों का दिल असी आप दुखाने। आओ इन्ह की कदर करो, इन्ह का एहतराम करो। मैं जी गल की है कि नवा मसला नहीं, अल्लाह जुल जलाल ने कुरान करीम अंदर ऐलान फरमाया, लोग कुरान सुनते जाओ और अपने दिलों को कुरान के नूर न मुनवर करके लै जाओ। अज मैं वालदेन की अजमत सिर्फ कुरान ही पढ़ के तुहाडे सामने इंशाल्लाह बयान करनी है। अल्लाह जिन्हां दे वालदेन जिंदा ने, अल्लाह सेहत कामला आजला और लंबी अल्लाह उन्होंने उम्र अता फरमा, तो जिन्हां दे तुर गए ने अल्लाह, किसी की अम्मी चली गई, किसी का अबू दुनिया तो चला गया, ए मेरे अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं उठणिया फरमा। कुरान की ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमांदे ने वइज अखज़ना मीसाक बनी इसराइल। थोड़ा थोड़ा तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं कहना, कहो सुभान अल्लाह, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुझे कहना है। अल्लाह फरमांदे ने वइज अखज़ना मीसाक बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह फरमांदे ने असां बनी इसराइल दे लोगों को वादा लिया, असीं बनी इसराइल दे जिन्हें भी लोग सन, जिन्हिया भी उम्मत सन, असा उन्होंने को वादा लिया। की वादा? कि अल्लाह तो इलावा किसी और दी इबादत नहीं करनी, अपने मापे नाल चंगा सलूक करना है, अपने वालदेन की कदर करनी है, उन्हों का एहतराम करना है। कुरान का दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिको बी शैया व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह फरमाते ने दुनिया कायनात दे लोगो इबादत करनी है ते सिर्फ कल्ले रब दी करनी है, रब दे नाल किसे नू शरीक नहीं ठहराना, अपने मापियां दे नाल हुसने सलूक करना है। ओ लोगो इस सूरत दी आयत, सूरत दा नाम सूरत उन्निसा, ते निसा दा माना औरत, ते हजरात अल्लाह पैगाम देना चाह रहे ने, ओ दुनिया कायनात दे लोगो जिवें पुत्र ते फर्ज है मापे दी खिदमत करना, इवें बेटियां ते भी फर्ज है, इवें औरतां ते भी फर्ज है अपने मापियां दी कदर करना। मैं वेख्या है कई बेटियां अपनी मां दियां बड़ियां गुस्ताख हुंदियां ने, मां नाल जुबान लड़ांदियां ने, मां दे अगे उच्चा बोलदियां ने, मां नूं तंग करदियां ने, ते मैं वेख्या कई बेटियां बाप की इज्जत नूं दागदार कर दिंदियां ने, बाप नूं तड़ियां ला दिंदियां ने, मां नूं तड़ियां लांदियां ने, अहे मेरा उत्थे व्याह कर दो, कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं घरों नस जावांगी, मैं इस तरह कर दावांगी। ना मेरी बहना, मां दा दिल ना दुखाया कर, इस बुढ़े बाप दा दिल ना दुखाया कर, इज्जत कर, इन्हां दा एहतराम कर। कुरान करीम का तीसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने कुल ताल अतलुमा हर्रम रब्बुकुम अल्ला तुशरिको बी शैया व बिल वालिदैन एहसाना। इत्थे भी अल्लाह ने पहला अपनी वहदानियत दा जिक्र किया, बाद अंदर वालदैन नाल हुसने सलूक दा जिक्र किया। इस सूरत दा नाम सूरतुल अनाम, अनाम दा माना डंगर, अनाम दा माना चुपाए, अनाम दा माना जानवर। रब पैगाम की देना चाह रहा है, और जेड़ा मापियां दा बेअदब है वो इंसान नहीं होते जानवर है, जेड़ा मां दा गुस्ताख है, जेड़ा बाप दा गुस्ताख है वो ते डंगर है, वो ते जानवर है। मापियां दी खिदमत करन वाला वो ते इंसान है, ते जेड़ा मापियां दी ना फरमानी करदा वो सलंदर डंगर है। कुरान करीम दा चौथा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने वकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु करीमा। Oh.
ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਜ਼ਾ ਰੱਬੂ ਕਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਲਾਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖਤਾਰੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਬੀਨੇ ਨੇ ਆਜ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਲੋਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ। ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੋ? ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਥੰਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਨ ਨੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ। ਬੋਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣਦਾ ਏ, ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਕੁੱਲ ਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰੋ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤਾਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੈਠ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪੁਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਪੁਛਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਾ ਡੰਡੀ ਬੰਨਾਏ, ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਓਵਨ ਸਵੰਨਾਏ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਾ ਡੰਡੀ ਬੰਨਾਏ, ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਓਵਨ ਸਵੰਨਾਏ, ਕੋਈ ਗਾਰ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਰਸਤਾ
जांदा ऐ पत्थर दे विच सावे पत्ते खांदा ऐ पत्थर दे विच सावे पत्ते खांदा ऐ नरम नरम एक कीड़ा पत्थर विच वसदा ऐ बाहर निकल के गल्ला सबनों दसदा ऐ की दसदा ऐ इको दी बस ओथे पहुंच रसाई ऐ सांझी होर शरीक नसानी काई ऐ सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई ऐ सांझी होर शरीक नसानी काई ऐ मुर्गी दे विच अंडा न रोशन दान उसदा रोजियां वेख पुछांदा इक निगरान उसदा डाई कीती फिट न रखिया सजाए बाहर निकलिया चो चो करदा बचाए बिल्ली वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन मानू दसदा ऐ सज्जन दुश्मन दी कै वंड सिखाई सांझी होर शरीक नसानी काई हजरात गल दूर ना निकल जाए आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद एक बार प्यार नाल पढ़ो हजरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ऐलान कर रहे हैं अल्लाह फरमांदे ने व बिल वाली दीने एहसाना ओ लोगो अपने मां बाप नाल अच्छा सलूक करना है अल्लाह ए लाहौर दे रहन वाले पुछदे ने अल्लाह किवें दा अच्छा सलूक करना है अल्लाह ने अगे तरीका भी दस दिता है अल्लाह फरमांदे ने इमा या बलुखन्ना इंदा कल किबारा आदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्यों वला तन हर हुमा अगर तुहाडे मापे बुढ़े हो जान उन्हां विचों एक बुढ़ापे दी उम्र अंदर पहुंच जाए ते गल सुन ले लाहौर ते रहन वाले आ अपनी मां दी गल सुन के अगों उफ भी नहीं कहना प्यो दे अगे उफ भी नहीं कहना ओ लाहौरियो ए जिहड़ा लफ्ज़ है उफ बड़ा हल्का लफ्ज़ है ये बंदा उदों बोलदा है जदों किसे नाल प्यार बड़ा होए मुहब्बत बड़ी होए बंदा दा यार उफ ए किवें दी तू गल कर दित्ती है अल्लाह फरमांदे ने ओ बंदे आ यार दे सामने उफ कह सकना भैन दे सामने उफ कह सकना भरा दे सामने उफ कह सकना है बीवी दे सामने उफ कह सकना है लेकिन जदों मां दी वारी आउणी है जदों बाप दी वारी आउणी है ओदे सामने तैनू उफ भी कहण दी इजाजत नहीं है मापियां दी ऐसी वैसी गल सुन के तो अगे उफ भी नहीं कहना ते ना ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ ਵਾ ਕੁੱਲਹੁਮਾ ਕੌਲਾ ਕਰੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੀਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਮਾਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਦੋਸਤਾ ਓ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਿਆ ਛੜਾਉਣਾ ਏ ਨਾ ਨਾ ਘਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰ ਕਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਏ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਿੰਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਏ ਆਪ ਤੇ ਐਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਓ ਵੀਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇ
ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 150 ਬਚੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਪਿੰਡੂ ਏ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਆਏ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਪ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਦਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਈਦਾਂ ਦੇ ਈਦਾਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਏ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰੇ ਇਹਦੀ ਟੋਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਈ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀਰਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਓ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਹੂ ਕਾਨ ਸਿਦੀਕਨ ਨਬੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਅਲੀ ਅਬੀ ਯਾ ਅਬਤੀ ਲਿਮਤ ਅਬੁਧ ਮਾਲਾ ਯਸਮਾਉ ਵਲਾ ਯੁਬਸਿਰੋ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਕਸ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅਬ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਬਾਪ ਕਫਰ ਹੈ ਹਾਲੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅਬਤੀ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਆਂਦਾ ਏ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੂੰ ਬਾਦ ਨਾ ਆ ਲਾਰ ਜੁਮਨਕ ਵਾਹਜੁਰਨੀ ਮਲੀਆ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਸਲਾ ਮੁਨ ਅਲੀਕ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਰਸ ਮਿਲਿਆ ਓਏ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜ਼ਨੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਵਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੁੱਸ
गुस्ताखी करे, अपने बाप की ना कदरी करे, ना ना इज्जत करे कर बाप दी। ते सियाने आंदे ने जैसी करनी वैसी बरनी। अज हजरत इब्राहिम नू अल्लाह ने बाप बना दिता, पुत्र इस्माइल दे दिता। हुण हजरत इब्राहिम अपने पुत्र नू की आंदे ने, अन्नी अजबहू कफन जुरमाला तरा, ऐ मेरे प्यारे बेटे इस्माइल मैं कि वेखिया ख्वाब अंदर, मैं तेरी गर्दन ते छुरी चला रहा वा। ओए नौजवानो, अज तुहाडा बाप तुहाडे कोलों 500,000 मंग लवे, तुहाडे मत्थे ते वट पै जांदे ने, तुहाडी जान निकलदी है। मैं वेखिया कई बंदे कई बच्चे अपने प्यो नू पैसे देंदे ने, नाले अगू गल्लां करदे ने, अब्बा तू किथे पैसे उड़ा देना है, पक्या तेनू लभ जांदा है, खाण रहण नू तेनू जगह लभी है, तेनू पैसिया की कदी लोड़ है। ना ना ए ओई बाप है, ओ निक्के आंदे आ जिन्ने मंगदा सै तेरी जेब अंदर पा देंदा सी, स्कूल जान दे तेनू अलग पैसे, ट्यूशन जान दे तेनू अलग पैसे, और तेरिया स्कूल दियां फीसा, तेरे सारे खर्चे, ट्रिप, ये सारे मामलात तेरा बाप चलांदा सी। अज बाप नू पैसे देन लंघिया तू तंग पै जाना है। ऐ वेख हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र कोलों कोई 500,000 नहीं मंगया, कोई चीज नहीं मंगी, बल्कि डायरेक्ट जान ही मंग ली है। पुत्रा मैनू तेरी जान चाहिए है, पुत्रा इस्माइल मैं तेरी गर्दन ते छुरी चलाना चाहना वा, इस्माइल मैं तेनु जिबा करना चाहना वा। ते हजरत इस्माइल अगो की आंदे ने, या आबती ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, इवें अदब कीता जिवें जनाब इब्राहिम ने अपने बाप का अदब कीता सी। या आबती फल मां तो मर, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, तुहानू जो हुक्म मिलिया तुसी मेरी गर्दन ते छुरी चलाओ, मैं अगोसी भी नहीं करांगा। लोगो जे चाहते हो कल नू तुहाडियां औलादां तुहाडियां फर्मा बरदार बन जावन, अज तुसी अपने मापिया दे फर्मा बरदार बन जाओ, उन्हां दी खिदमत करन लग जाओ, उन्हां दी इज्जत करनी शुरू कर दवो। आओ अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दा, अल्लाह जुल जलाल दा एक होर नबी है, नबी यहया। अल्लाह फरमांदे ने, वा बर्रम बिवालिदैन वलम यकुन जब्बारन असिया। ए नबी यहया, अल्लाह दा नबी वी है ते नाल मापियां दा फर्मा बरदार भी है, मापिया नाल हुसने सलूक करने वाला भी है। अगे अल्लाह ने नबी ईसा दा जिक्र फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने, काल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंत वाउसानी बिसलाती वज़कती मा दुमतु हैया वबर्रम बिवालिदती। ओ लोगो, हजरत ईसा बचपन अंदर लोगों नू दस रहे ने, दुध पीन दी उम्र अंदर लोगों नू दस रहे ने, ओ लोगो मैं अल्लाह दा बंदा वा, अल्लाह ने मैनू नबी बनाया है ते नाल अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है, वा बर्रम बि वालिदती, अपनी मां दा अदब करना है, अपनी मां दा एहतराम करना है। वीरिया मां नाल प्यार करया कर, ओ मां दे पैर तो के पिया कर, मां दी खिदमत करया कर। ओ यारा, पुछ उन्हां कोलों जिन्हां दियां मावां दुनिया ते कोई नहीं, और जिन्हां नूं अपनी मां नूं मिलण वास्ते कब्रस्तान अंदर जाना पैंदा है, जिन्हां नूं अम्मी नाल गल्लां करन वास्ते कब्रस्तान अंदर जाना पैंदा है। पिछले दिनों लाहौर दे हाफज़, छोटा जिहा नन्ना जिहा हाफज़, नाले तिलावत कर रहा सी, नाल रोई जांदा सी, कहन लगा मेरी अम्मी दी ख्वाहिश सी कि मैं हाफज़े कुरान बणा। मेरी अम्मी दा दिल करदा सी मेरा पुत्र कुरान पढ़े, अज मैं कुरान पढ़न दे काबल होया, पर मेरी अम्मी मैनू नजर नहीं आ रही। मेरी मां मेरा कुरान सुनती ते किन्ना खुश होंदी, किन्ना राजी होंदी। ओए वीरिया, ए उन्हां नू पुछ जिन्हां कोल मां नहीं है, अज तेरे कोल मां वे ते कदर कर। जे टुर गई एक वार दुनिया तू, ए प्यार ए मुहब्बतां वाला दरवाजा, ए शफकतां फिर नहीं हो किधरों लभणियां। प्यार नाल इंज कहना चाहना वा, जे टुर गई ए कब अंदर, ओ झलिया मां नहीं लभनी, ओ प्यारिया मां नहीं लभनी, जे टुर गई ए कब्र अंदर, ओ प्यारिया मां नहीं लभनी, ओ वीरिया मां नहीं लभनी, तू कर खिदमत
ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਵੀਰੇ ਆ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਤਾਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਓਏ ਮਾਂ ਤੜਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਤਾਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆਦ ਆਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆਦ ਆਵੇਗੀ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਬੋਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਜਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਰਵਾਵੇਂਗਾ ਸਤਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਦਿਲ ਮਾਂਦਾ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ ਰਵਾਵੇਂਗਾ ਸਤਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਛੁਪਾਵਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਜਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਆਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੂਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੂਵੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਜੇਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਲਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮਿਸਰ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਫਾ ਅਬਵਈ ਅਲਲ ਅਰਸ਼ੀ ਵਖਰੂ ਲਹੂ ਸੁਜਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਚੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨਦ ਹੈ ਉਸ ਮਸਨਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀਰਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮਨ ਠਰੇਗਾ ਲੋਗੋ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਓਏ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ
इंजीनियर होएगा अपनी जगह ते होएगा, चेयरमैन होएगा अपनी जगह ते होएगा। और जिदू तेरा बाप आ जावे अपनी कुर्सी तू उठ जाया कर, अपनी जगह ते अपने अबू नू बिठाया कर, उच्ची शान दिया कर, उच्चा मुकाम दिया कर, अबू घर दे अंदर सब नाल उच्ची जगह ते अपने बाप नू बिठाया कर। मैं वेखे कई बदबख्त बदनसीब पुत्र आप जेरे सराने वाले पासे बैठे होंदे ने ते बाप नू पवांदे वाले पासे बिठाया, आप उच्चा प्यो थले बैठाया, डुब मरण का मौका में मर जाना चाहिए तेन इस तो पहला बाप की तुहीन कर तो पहला। सुन इमाम इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ए ओ इमाम ने जिन्हां दी ख्वाबां दी तबीर दे हवाले दे नाल बहुत मशहूर किताब है सीरत अलामुन नुबला। हजरात तवज्जो मेरे वल करे आ जाए। इमाम इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लोको मैं जदों मेरी अम्मी घर अंदर होंदी सी, जदों मेरी अम्मी घर अंदर मौजूद होंदी सी, मैं कदी मकान की छत नहीं सचड़िया कि मेरे कदम मेरी अम्मी दे सर नाल उच्चे ना हो जावन। इन्ना उन्हें अदब किया, इन्ना उन्हें एहतराम किया, इन्ना उन्हें जनाब माँ बाप का कदर किया, इन्ना उन्हें शान किया। कितों लियावा मैं उंजदा अदब, कितों लियावा मैं उंजदा एहतराम। आन इज्जत करिया कर मापियां दी, एहतराम करिया कर मापियां दा। जे चाहना है रब तेनू दुनिया अंदर भी शान दे, रब तेनू आखरत अंदर भी मुकाम दे, फिर मापियां दी खिदमत करिया कर। आमीन दिला जनाबे मुहम्मद। एक और जरा फिर प्यार ना दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मेरे पैगंबर ने फरमाया कबीरा गुनाहों दे विचों एक गुनाह वालदैन दी ना फरमानी करना, वालदैन नू सताना, मापियां नू सताना कबीरा गुनाहों दे विचों गुनाह है। आओ हुण मैं जरा मोटे मोटे पांच फायदे दसा। जिहड़ा बंदा मापियां दी इज्जत करदा है, जिहड़ा बंदा मापियां दे नाल हुसने सलूक करदा है, और जिहड़ा बंदा मापियां वास्ते जींदा है, जिहड़ा बंदा मां बाप दे नाल अच्छा सलूक करदा है। मोटे उंज दे बंदा तरिया ही तरिया, उंज दे बंदे नू बाहर ही बाहर आने। ओए उस बंदे तू वड्डा खुशकिस्मत कोई नहीं जिहड़ा बंदा मापियां दी खिदमत करदा है। लेकिन मोटे मोटे पांच फायदे दस जावां हजरात। पहला फायदा जिहड़ा बंदा मापियां दी खिदमत करदा है, आका फरमांदे ने रिज़र रब्बी फी रज़ल वालिदा, और जिहदे ते उहदा बाप राज़ी इंज समझ ले कि उहदे ते अरशां दा रब वी राज़ी है। जिहदे ते उहदा बाप राज़ी, जिस बंदे ते उदा प्यो राजी है उदा रब भी उदे ते राजी है। और वीरिया जे बाप नाराज है ते समझ लै अरशां वाला रब भी नाराज है। भावे कर सजदे पढ़ नमाज़ां रख रोदे कोई फायदा नहीं होएगा। जे बाप नू राजी नहीं कीता ते गल सुन लै दुनिया अंदर सुकून नहीं मिलेगा। ए मुल्तान दा वाकया, एक मौलाना ने गल सुनाई, मेरे कोल एक जना बाबा आ गया, आ करके कहन लगा मौलाना घर अंदर सुकून कोई नहीं, पैसा बड़ा है, दौलत बड़ी है, शोहरत बड़ी है, पर घर अंदर सुकून कोई नहीं। दुआ कर दियो अल्लाह सुकून दे दवे। थोड़े दिन गुजरे ने एदा बेटा फिर जनाब आ गया, एदा बेटा आया, उस बाबे दा बेटा आया, ते आ करके उन्हें भी ये गल की थी, मौलाना पैसा बड़ा है, दौलत बड़ी है, पर साढ़े घर अंदर सुकून कोई नहीं, मैनू चैन नहीं आता, करार नहीं आता, मेरे दिल नू सुकून नहीं मिलता। मौलाना दुआ कर दियो। मौलाना कहन लगे मैं बड़ा हैरान होया, प्यो नू भी ओही मसला है, अगों पुत्र नू भी ओही मसला है। मैं आख्या यार तुहाडे घर अंदर कोई शिरक ते नहीं करदा? अहे जी नहीं, सारा घर मुवाहद है। क्या कोई बेनमाज ते नहीं? जी सारा घर नमाज बनने वाला। अहे क्या कोई जनाब तुहाडियां खवातीन बेपर्दा ते नहीं? अहे जी सारियां बाप पर्दा, इस्लामी माहौल है, सारा कुछ ठीक है। मौलाना आंदे ने मैं परेशान हो गया, अल्लाह जिथे तेरा कुरान पढ़िया जाए, जिथे नमाज पढ़ी जाए, जिथे तू ईद होवे, सुकून उत्थे नहीं आना, तो फिर और किथे आना है? सुकून रहमत उत्थे नहीं ना दल होनिया, तो और कितने ना दल होनिया ने। आंदे ने मैं उन्होंने पूछया, उस पुत्र नु पूछया, उस बेटे नु पूछया, यार ये तो दसना तुहाडे घर विचों कोई किसी ना नाराज ते नहीं, कोई नाराजगी ते नहीं पे चलदी? कहन लगा जी हाँ हाँ, नाराजगी चलती है, ते मेरी मेरे बाप नाल नाराजगी चलती है। अज पंज साल गुजर गए ने, ना मैं अपने अबू नु बुलाया है, ना मेरे अबू ने मैनू बुलाया है। हाय तौबा अल्लाह मेरी तौबा। ओए बाप दियां गल्लां दा गुस्सा कर जाना है, फिर बाप नू बुलांदा नहीं, बाप नू कंड करके लंघ जाना है। मैं वेखिया कई पुत्र मां दियां गल्लां दा गुस्सा करके सुबह कम ते जान लगे, मां नू मिल के भी नहीं जांदे,
बगैर मिलन तो चुड़ जाते हैं। मां को जो कम ते सुबह जाना है मां मिल के जाया कर, मां दे पैर चुम के जाया कर, मां दे पैर मां दे हाथ प्यो दे हाथ चुम के जाया कर। और जो तू बगैर मिलन तो टुर जाना है सारा दिन तेरे बारे फिक्रमंद रहिंदे ने, सारा दिन तेरे बारे सोचते रहिंदे ने, सारा दिन इन्हां दा दिल सड़दा रहिंदा है कि अज साडा पुत्र सानू मिलन तो बगैर ही चला गया है। ना ना इज्जत करिया कर, एहतराम कर। लोगो जे बाप नाराज है मापे नाराज ने ते समझ लो अर्शां वाला रब भी नाराज है। पहला फायदा रबामा वालदैन दी जिहड़ा बंदा खिदमत करदा है अल्लाह उहदे ते राजी हो जांदा है। दूसरा फायदा जेड़ा बंदा मापियां दी खिदमत करता है जेड़ा बंदा मापियां दे जनाब अदब करता है अल्लाह उहदियां दुआवां कबूल कर लैंदा है, अल्लाह उहदियां दुआवां उहदियां परेशानियां दूर कर देंदा है। ओ सही अल बुखारी अंदर ओ तीन गार वालों दा वाकया ते तुसां सुनिया है, मैं सिर्फ इशारा देना चाहना वा जिहड़े बंदे गार अंदर फस गए ते उहनां दे विच वी इक बंदे ने आ दुआ कीती, ए अरशां वालिया रब्बा मैं अपने मां दे नाल अपने बाप दे नाल नेकी कीती है, अल्लाह मैं उन्हां दी कदर कीती है, अल्लाह उन्हां नाल हुस्ने सलूक कीता, अल्लाह मेरे मां बाप नाल अगर तैनूं नेकी पसंद है ते नेकी कबूल कर गए, अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह इस पत्थर नूं हटा दे। ओ लोगो फिर दुनिया ने वेख्या पत्थर हटिया पत्थर हट गया। ओ लोगो रब माँ बाप की खिदमत की वजह तो दुआवां कबूल कर लेंदा जे, इन्हां कोलों दुआवां करवाया कर, इन्हां कोलों दुआवां लिया कर, इन्हां की खिदमत करिया कर। लोगो इधर तवज्जो मेरे वाल, लाहौर दा वाकया मौलाना अब्दुल रशीद मुजादाबादी हफिज़हुल्लाह तआला, दुआ करो अल्लाह शेख साहब नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो मेरे वाल, उन्हां गल सुनाई कहन लगे जुम्मा पढ़ा रहे, जुम्मा पढ़ांदिया पढ़ांदिया मैं आख्या लोगो अपनी मां की इज्जत करिया करो, अपनी मां की कदर करिया करो। ओए नौजवानो जे तुसी चाहते हो तुहाडियां दुआवां फौरन कबूल हो जाण, अपनी मां की जुत्ती अपने सर ते रख के दुआ कोलो दुआ करिया करो, मां की जुत्ती सर ते रख के दुआ करिया करो। गल हो गई जो शेख खताबत अंदर, अगला जुम्मा होया इस जुम्मे अंदर एक नौजवान बैठा थी, अगला जुम्मा होया वह नौजवान बाद अंदर मौलाना दे कोल आ गया, कह लगा मौलाना पिछले जुम्मे जिहड़ी तुसां गल कीती मैनूं बड़ा फायदा हो। कह लगे मैं ते बड़िया गल् कीतियां तेनों केड़ी गल ने फायदा दिता है। कह लगा मौलाना ए जिहड़ी तुसी गल कीती सी के मां दी जुत्ती सर ते रख के दुआ करो अल्लाह दुआवां कबूल कर लेगा। कह लगा मैं बड़ा परेशान सा, मैं परेशानी अंदर मुसीबत टेंशन अंदर फसया होया सा, मेरा एक ऐसा काम सी जेड़ा मैं बड़ी कोशिश की सी ते नहीं सी हो रहा। आंदा तुहाडी गल सुनिए मैं कर गया वा रात पई तो मैं अपनी मां दे कमरे अंदर आ गया वा, आहिस्ता आहिस्ता चुप के आके पहला मां दे पैर चुमे ने, अपनी मां दी जुत्ती अपने सिर ते रख लईए ते रब दे मैं खेड़े पै गया वा। मैं आखिया ए अरशां वाले आ रब्बा मेरिया परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मेरिया टेंशन दूर कर दे। फिर वो आप गल सुना रहे मौलाना मां दी जुत्ती बाद अंदर थले कीती है, रब ने परेशानियां पहला दूर कर दित्तियां ने। ओ लोगो इज्जत करो, एवें ते नहीं सी नबी पाक ने आख्या लोगो मां दे कदमां अंदर रब ने जन्नत रखी है, और जन्नत भी लभनी है ते मां दे कदमां विचों, इज्जत भी लभनी है ते मां दे कदमां विचों, और तैनूं शोहरत भी मिलनी है ते मां दे कदमां विचों, मापियां दे कदमां विचों। ओए मैं ना तेरी दुनिया इत्थों शुरू होनी चाहीदी है मां दे कदमां दे विचों, प्यो दे कदमां दे विचों तेरी जनाब दुनिया शुरू होनी चाहीदी है, उत्थों तेरी इब्तदा होंदी। जेड़े बंदे मापियां दे पैर जनाब पेंदे ने, मापियां दे पैर दबांदे ने, मापियां दी खिदमत करदे ने, अल्लाह जहान नूं उन्हां दी खिदमत ते ला देंदा है। जेड़े मापियां दी इज्जत करदे ने अल्लाह कायनात नूं उन्हां दी इज्जत ते ला करन ते ला देंदा है। ते जेड़े मापियां दे गल पेंदे ने, जेड़े मापियां नूं मारदे ने, मापियां नूं गालां कढदे ने, अल्लाह फिर रोल देंदा है, अल्लाह फिर जलील ते रसवा कर देंदा है। पिछले दिनों सियालकोट दे अंदर एक वीडियो वेखी
हजरात बाबा है ते बाबे दा जनाब सिर फटिया जनाब खून निकलिया चेहरे तो इंटरव्यू लैन वाले ने पूछा बाबा जी तुहानू किन्ने मारे है तुहाडे चेहरे तो जनाब खून नजर आ रहा है ते बाबा कहन लगा पुत्रा मैनू मारन वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही सका पुत्र है अज उन्हें मेरे चेहरे ते मारे है अज बचपन अंदर मैं ओदे चेहरे का बोसा लिया करदा सा अज उन्हें मेरे चेहरे ते मारे है अज उन्हें मेरे रुखसारा ते मारे है ओ जालिमा तेरा किवें हौसला पै जांदा है बाप ते हथ चुग लंघया ओ तेरा किवें हौसला पै जांदा है बाप नूं गालियां कढ़न लंघया ना ना तू जला जांदा है ओ तू अल्लाह दी कसम है सारी जिंदगी उल्टा भी लख लटक जाए तो मापिया की जनाब हक अदा नहीं कर सकता आओ लोगो मापिया की कदर करो मापिया का एहतराम करो दूसरा फायदा रब दुआवां कबूल करता है तीसरा फायदा जेड़ा बंदा मापिया की इज्जत करता है आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी एक बंदा आया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हदीस पाक दे रावी ने आ करके कह लगा अतार रजुलन आ करके कह लगा महबूब जी मेरे को बहुत वड्डा गुनाह हो गया है सब तो जंबन अजीमा मेरे को एक वड्डा जिहा गुनाह हो गया महबूब जी क्या मेरे इस गुनाह की माफी है वे महबूब जी क्या मेरे गुनाह की तौबा है वे आका फरमाते ने हल्लाका मिन उम्मिन क्या तेरी मां जिंदा है महबूब जी मां ते दुनिया ते कोई ने फरमाया हल्लाका मिन खालतिन क्या तेरी खाला दुनिया ते जिंदा है महबूब जी हाँ मेरी खाला मेरी मां दी अमशीरा जिंदा है आका फरमांदे ने फबिर रहा जा जा के अपनी खाला दे नाल हुस्ने सलूक कर रब तेरा वड्डा सारा गुनाह मुआफ कर देवेगा ओ लोगो जे मां दी भैन हाला दे नाल ने की करया रब वड्डे गुनाह मुआफ कर देंदा है दसो जे मां दी खिदमत करया रब क्यों नहीं तेनू माफ करेगा ओए मैं आना जेड़ा बंदा मापिया की खिदमत करदा है कल क्यामत वाले दिन अल्लाह नू बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला ता कर देवेगा ओए ए दोवें तेरी जन्नत ने आका ने फरमाया सी हुमा जन्नत कवना रुगा ए मापे तेरे वास्ते जन्नत भी ने ते तेरे वास्ते जहन्नम भी ने मर्दी तेरी आ खिदमत करके जन्नत कमाल है या ना फरमानिया करके जहन्नम कमाल है आओ लोगो मापिया की कदर करो मैं अल्लाह जानदा है ए दर्दे दिल तुहाडे सामने रख रहा वा आए रोज फेसबुक से नवीं नवीं वीडियो वेखन को मिलती ने अए जे औलाद ने मां नू मारे आए अए पुत्र ने बाप नू गालियां दित्तियां ने अ पिछले दिनों रावलपिंडी दे अंदर एक वीडियो वेखी है कलेजा फट गया अल्लाह जानदा है छे महीने आयो तो गए ने छे महीने ओ जनाब तीन पुत्र ने बदबख्त पुत्र उन्हें अपने बाप नो पैर अंदर हथ अंदर जंगलियां संगलियां पा लिया जंजीर पा लिया कमरे अंदर बंद जनाब सुट दिता बारू ताला ला दिता ते छे महीनों बाद किधरे मीडिया वाले नो पता लगा पुलिस वाले लैके नाल आ गए उन्हें दरवाजा खलवाया ते बाबा जी नो बाहर कढ़िया हाय अल्लाह सदके जावा जी जो बाबा जी नू बाहर कढ़िया ते सब नालों पहला सवाल जड़ा मीडिया वाले ने किया कहन लगा बाबा जी ये ते दसो अज किन्ने दिन हो गए जे रोटी खादिया इत्थे बंद कमरे अंदर बाहर ताला लगया है ना कोई आ सकदा है ना कोई जा सकदा है ते बाबा जी कहन लगे अज मैनू छे दिन हो गए ने मैं खाना नहीं खादा पानी पी के गुजारा कर रहा वा ओ लोगो इन्हां मापिया नू भुखिया रख दियो जिन्ना अपना भुख आप भुख रख तेनू रजाया और जिन्ना अपना पेट कट के तेनू खवाया अज उन्हें मापिया नाले जुलम हो रहा है तेरे मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हजरात उस एंकर ने पूछया उस बेटे दे कोलों भी इंटरव्यू लिया बाप दे कोलों भी इंटरव्यू लिया बाद अंदर बाबे नू कहन लगा बाबा जी तुहाडे औलाद ने तुहाडे पुत्रां ने तुहाडे वास्ते बड़ा जुलम किया है तुहाडे ते बड़ा जुलम किया है बाबा जी हथ चुको ते नवाज ते बदुआ कर दियो ते जिदू इन्नी गल होई बाबा कहन लगा नहीं ओ पुत्रा फेर भी है ते मेरे ने ओ छे महीने जुलम तो बाद भी वेख बाबा की आंदा पुत्रा नहीं नहीं मैं नवाज ते बदुआ नहीं करने है ते मेरे पुत्र ने कोई गल नहीं
मैं इन्हों माफ करना वा वो ये बाप है ये हौसला तो सिर्फ बाप का ये जिगरा तो सिर्फ बाप का वीर आ जेड़ा तेरे वास्ते वो तेरे नाम मरले ला गया तेनों मकान बना के दे गया तेरा मुस्तकबल संवार गया ये हौसला रब ने दिता है तो सिर्फ बाप नो वार रब्बा तेरी करम नवाजी वार रब्बा तेरी करम नवाजी क्या बाप जिगरे दिते वारब्बा तेरी करम नवाजी क्या बाप नु जिगरे दिते गड्डी मंगया कोई दारी ना देवे इन्हें बैंकी नाला दिते एक महीना कराया ना दिए लोकां बर्तन बार ने सुटे वाह बाबुल तेरी शान तू सदके तू लेंटर पाने दिते अल्लाह ने दिते मैं सी पाले मैं सारे लाड लड़ाए जिस चीज ते पुत हाथ सी रखदा मैं सारी चाला दिते जिस दम बाबल बुढ़रा होया पुत्रा मंजा बुवे ते डाया कंड करके जद पुत्र जलंगया कल जा फटन नु आया जान कमया जहला पुत्रा ए बाबल दा मुल की पाया जिन्ने मानु रवाया दिल प्यो दा दुखाया जिन्ने मानु रवाया उन्हें अरश हलाया दिल प्यो दा दुखाया उन्हें सुख नहीं पाया पढ़ खोल के कुरान कहिंदा रब रहमान फरमान वखरा शान सब दिए यारो आपो अपने पर मापे आंदा शान वखरा मापे आंदा शान वखरा आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरा लोगो जे जानदे हो रब तुहानू बगैर हिसाब किताब दे जन्नत दा दाखला ता करे मापिया दी खिदमत करो मापिया दी खिदमत करो रब तुहाडे गुनाह मुआफ कर देवेगा तीन फायदे हो गए चौथा फायदा ओ लोगो जे चाहंदे हो रब तुहाडे रिजक अंदर बरकतां पा दे और जे चाहना तेरा रिजक कदी भी ना खत्म होवे अपने प्यो नू खिलाया कर अपनी मां ते खर्च करिया कर इन्ना ते खर्च करिया कर रब तेरा रिजक वधा देवेगा ओए रब तेरे करू कदी दाने नहीं मुकन देन लगा इन्ना नू खिलाया कर मैं वेखिया है अज जनाह पंजा पुत्रां कोलों एक प्यो पालना औखा हो गया है एक मां नू खवाना औखा हो गया है ऐ दो महीने अब्बा फलाने कर दो महीने अम्मा फलाने कर रवेगी दो महीने फलाने कर ओए देना नू दर दर ते रोलना है इन्ना नू जगह जगह ते रोलना है इन्ना ते तेनू कदी इस तरह बचपन अंदर एक जकार अंदर एक छापे अंदर एक जगह ते बिठा के तेरी मां तेनू खिलाया कर दी सी अज क्यों मंडियां पा लिया ने क्यों इस तरह इन्हां नू जलील करना नान इज्जत करिया कर एहतराम करिया कर हजार पंजवां फायदा जेड़ा बंदा मापिया दे नाल हुस्ने सलूक करदा है मापिया दे नाल नेकी करदा है अल्लाह पाक ओदी उम्र अंदर भी बरकत पा देंदे ने अल्लाह ओदी उम्र वधा देंदे ने लोगो आओ मापिया दी खिदमत करो ऐ जनाब कई बार असीं कह देने मेरे यार दा डर मेरे वास्ते लोहे दा खडर इस गल दी दलील कोई नहीं इस गल दा जनाब कोई पता अता पता कोई नहीं लेकिन मैं कवां मां बाप दा डर तेरे वास्ते लोहे दा खडर इह गल तैनू मन नहीं पैनी है जड़ी तेरी मां ने तेनू कह दी है तेरी प्यो ने तेनू कह दी है अज तू बाप की गल करे तू आने बाबा तू पुराने वक्त दा तू पुराने दौर दा तेनू नहीं पता अजे दौर अंदर किवें रहना है तेनू नहीं पता अजे दौर अंदर किवें गुजारना है लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है माहौल चेंज हो गया तब्दीली आ गई है तब्दीली आ गई है हजरात ये जना बाप नू गल्लां करदा है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नू एक औरत दे नाल शादी कर ले हजरत
अब्दुल्ला बिन उमर बहुत खूबसूरत लगे ते हजरत उमर फरमाते रहे अब्दुल्ला इस औरत नू तलाक दे दे, उस औरत नू तलाक दे दे। ते हजरत अब्दुल्ला कहन लगे बाबा मैनू अच्छी लगी है, मैनू चंगी लगी है, मैं इन्हें शादी कर हूं, मैं तलाक नहीं देनी। मैं क्यों तलाक दा? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नबी पाक दे कोल आ गए, आ करके अर्जा करते ने महबूब जी मैं अपने बेटे अब्दुल्ला नू आखिया तलाक दे, अब्दुल्ला ने तलाक नहीं दी। आका इस्लाम ने हजरत अब्दुल्ला नू बुला लिया, आका फरमांदे ने अब्दुल्ला के तेरे बाप ने आखिया तलाक दे, जे महबूब जी आखिया है। आका ने अगों ये नहीं पुछया कि क्यों नहीं तलाक दी। आका फरमांदे ने अब्दुल्ला फतलिका तेरे बाप दा डर तेरे वास्ते लोहे दा गडर। अब्दुल्ला जे तेरे बाप ने कह दिता तलाक दे दे इनू ना रख, इनू छड़ दे। ओ लोगो अज बीवियां पिछे लग के मापियां नू छड़ दिता ही। हजरात हक ते ए बंद है, अगर मां बाप कह देवन तो बीवी नू भी नहीं रख सकदा, इख्तियार भी नहीं तेरे कोल। लेकिन अज तू बीवियां पिछे लग के मापियां नू छड़ दिता, तौबा अल्लाह मेरी तौबा, उल्ट मामला हो गया है। अल्लाह हजरात आओ मापियां की कदर करो, इन्हां नू खुशियां दया करो। ऐ छोटियां छोटियां तेरियां गल्लां तेरे मां बाप बड़िया राजी कर दिया ने, तेरे मां बाप न बड़िया खुश कर दिया ने। अमेरिका तो एक मौलाना ने गल सुनाई, कह लगे मैं अमेरिका के अंदर गड्डी लई कार लई, उस कार की एक सीट मैं मां नू फोन किया पाकिस्तान अंदर, मैं क्या अम्मी जी मैं अमेरिका के अंदर गड्डी लई है, तो उस कार की एक सीट मैं तुहाडे वास्ते रख दी है। अम्मी जी सीट तो तुसां बहना है। कह लगे ना गड्डी ने पाकिस्तान जाना तो ना मां ने अमेरिका आना, बस गल हो गई। मैं मां नू कह दिता हुण मेरी मां जिहड़ी है आंडियां गवांडियां नू दसदी फिरे, रिश्तेदारां नू दसदी फिरे। ओ लोगो मेरे पुत्र ने अमेरिका अंदर गड्डी लई है ते इक सीट मेरे वास्ते रखी है। ओए छोटियां छोटियां खुशियां तेरे मां बाप दियां, ए छोटियां छोटियां गल्लां तेरियां वेख के तेरे मां बाप बड़े राजी हुंदे ने, इन्हां नू खुशियां दिया कर। ओए इक ए वे मां बाप नू कहना अम्मी जी मेरे वास्ते दुआ करो, अबू जी मेरे वास्ते दुआ करो। एक एवे आप दुआ करवाना ते एक एवे तो मापियां दी खिदमत इन्नी कर, मापियां नू राजी इन्ना कर, इन्हां दे दिलां विचों तेरे वास्ते दुआवां निकलण, ए आप तेरे वास्ते हथ चुक लैण। सुन मेरे पैगंबर दा फरमान, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद। एक बार फिर प्यार नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने तीन किस्म दे बंदे ऐसे ने, अल्लाह जिन्हां दी दुआ रद्द नहीं करदा, अल्लाह उन्हां दी दुआ फौरन कबूल कर लैंदा है। उन्हां दे विच इक बाप है जिहड़ा अपनी औलाद वास्ते जदों भी दुआ करदा है अल्लाह उहदी दुआ फौरन कबूल कर लैंदा है अपनी औलाद दे हक अंदर। लोगो मैं ना मां दा बड़ा शान, मां दा बड़ा मुकाम है, लेकिन जदों दुआ दी कबूलियत दी वारी आई मेरे आका ने बाप दा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। इतने होर थोड़ी जी वंड कर जावा, हजरात साडे मुआशरे दे अंदर जेड़ा खतीब उठदा है मां दी शान बयान करी जांदा है, जेड़ा कोई नात खां उठदा है मां दी शान अंदर नज़मां पढ़ी जांदा है, मां दी शान बयान करी जांदा है। ओए कमले आ बाप दा जिक्र क्यों नहीं करदा? ओए क्यों कहानी वंड करना है बाप नाल, क्यों जुल्म करना है बाप नाल? मैं वेख्या फिर कई घर अंदर तकसीमां पै गईयां, वंडियां पै गईयां, सारी औलाद मां रल जाती है, प्यो नूं पुछदा ही कोई नहीं, और प्यो दा हाल भी नहीं पुछदा, प्यो नूं दवाई भी नहीं लिया के देंदा। ना ना इंज ना जुलम करिया कर। ओए तेरा बाप जदों तेरे वास्ते हथ चुक ले दुआ वास्ते, अल्लाह ते उहदे हथ खाली नहीं मोड़दा। सानू फोन करना है मौलाना दुआ करियो, सानू फोन करना मौलाना मैं परेशान हाँ दुआ करो, पीरां नू फोन करना दुआ करो। ओए ना ना सब नालों वड्डा पीर खाना तेरा माई बाप है, इन्हां कोलों दुआवां करवाया कर, इन्हां कोलों दुआवां लिया कर। ओए रब्बे कायनात दी कसम है, ओए ठीक है असीं भी दुआ करांगे, बस उस दर्द दे नाल, उस प्यार दे नाल, उस तड़प दे नाल असीं भी तेरे वास्ते दुआ नहीं कर सकदे, जिस तड़प दे नाल तेरे अब्बू ने तेरे वास्ते दुआ करनी है, जिस दर्द दे नाल तेरी मां ने तेरे वास्ते दुआ करनी है। लोगो इन्हां कोलों दुआवां लिया कर। वखरे जग तो रुतबे अजमत वखरी है, दुनिया
नहीं फिर ले बाप दी शफकत वखरी दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी बाप दी हल्ला शेरी शेर बना दिंदी कंड ते मार के थापी दलेर बना दिंदी बाप दी हल्ला शेरी शेर बना दिंदी कंड ते मार के थापी दलेर बना दिंदी वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी और वीरे आप उन्हां कोलों जिन्हां दा बचपन अंदर ही बाप फोत हो गया है तेनों अड्डिया ते खड़े छोटे छोटे बच्चे नजर आउंदे ने जुतियां पालश कर दे कि निमको वेच दे कि रिओड़िया वेच दे सर्दियां अंदर तेरिया गलिया अंदर गर्म आंडे वेचते नजर आने वीरे होटलों से छोटे छोटे बच्चे कम करते नजर आते हैं कभी उन्होंने खिलार के पूछे बेटा तेरी ते पढ़न की उम्र है पुत्रा तेरी ते खेडन की उम्र है और पुत्रा लोग सुते ने ते तू आके काम पिया करना है अगू ही कोई जवाब देंदे चाचू जी मैं की करा मैनू पढ़ा वाला मेरे नखरे उठान वाला मेरा अबू दुनिया ते कोई नहीं मेरा बाप ही जिंदा कोई नहीं मैं किदे अगे अपनिया डिमांड रखा किनू आखा मेनू पढ़ाए और वीरे आ उन्हां दा वी क्या ओ यतीमां दा हजरात दिल करदा सी कि उन्हां दा बाप दुनिया तू चला जाए ये ते मेरे रब दियां मर्दियां ने बाप की कदर पुछनी यतीमां कोलों पुछ हजरात बाप टुर जाए ते अल्लाह जानदा है दुनिया दिया मुसीबत दुनिया दिया टेंशन बंदे नू आ लेंदियां ने वीरे आज जिंदा ही कदर कर ले ना कदरी ना करया कर ना शुक्री ना करया कर ओए बात अंदर हो जा प्यार हो जा मोहब्बत वाला दरवाजा नहीं उला बना अल्लाह जानदा मैं वेख्या ईद के मौके ते और जिदू जनाब जिन्हां दा बाप हुंदा है ओ अपने बाप दे कोलों लड़ कोल के ईद ले लेंदे ने बाबा मैनू 500 ही चाहिए बाबा मैनू 1000 चाहिए है बाबा मैनू 2000 चाहिए है ते जिन्ना दा अबाप ही कोई नहीं जिदा अबू कोई नहीं चाचू भावे 200 फड़ावे भावे 100 फड़ावे चुप करके फड़ लेंदे ने ओह किदे नाल सिद्धां करन किदे नाल लड़न ते किदे नाल खोलन ओह प्यार मुहब्बत वाला दरवाजा उन्हें चला गया है आज रब ने बाप वाली नेमत इन्हों दिती आ कदर कर ले इज्जत कर ले बाबला वर्गे प्यार दला से लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप दे सिर ते धियां मोजां मान दियां टुर जावन जद बाप ते पाबियां वी नहीं जांदियां मैं वेख्या बाप जिंदा होवे अपनी बेटी नूं फोन करदा 15 दिन महीने बाद बेटीए धीए राणीए मेरा दिल उदास हो गया आ मिल जा या बाप आ मिलन चला जांदा है और जदों मापे मर जां ते ओही वेड़ा ओही घर धी नूं आया साल साल कई महीने गुजर जाते ने और फिर खुशी गमी तो सिर्फ आँदी है उन्होंने पता है वह प्यार मुहब्बत हो नज़र नहीं आदिया रात वो धी वास्ते फिर अपना मापिया का घर बेगाना बेगाना जहा लगता है बाप दे सिर ते धिया मौजा मान दिया टुर जावन जद बाप ते पाबियां भी नहीं जान दिया अपने वीर भी फिर इन्हां दे आखे लगदे नहीं रजावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं रुझावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे
पुत्र दिया विच मुसीबतां पै जांदे। एते कमलिया जदों तेरे अपने सर पवेगी उदों तैनूं पता लगेगा कि बाप ही सी जिहड़ा सारा निजाम चलाई जांदा सी। सही किसे आखिया है अयाशियां ते बाप दे खर्चे ते होंदियां ने, अपने खर्चे दे ते मसा निजाम ही चलदा है, बसा गुजारा ही हुंदा है। अज तूं बाप दे खर्चे ते अयाशियां करना। मैं वेखिया कई बंदे आके आंदे ने कारी साहब जी जिन्नी देर तक बाप जिंदा सी घर दी कोई फिक्र नहीं सी, कोई मसला कोई परेशानी नहीं, ना बिजली दे बिल दी फिक्र, ना जनाब राशन दी फिक्र, ना किसे चीज दी फिक्र। बाप तुर गया है, सारा कुछ मेरे सिर ते आ गया है, हुण पता लगदा पिया, हुण समझ आउंदी है पई बाप सी ते फिक्रां कोई नहीं सन, हुण फिक्रां लग गईयां ने। ओही बंदा जिहदे कोल अगे बड़ा टाइम सी वेला फिरदा रहिंदा सी, हुण बाप ते जान तों बाद इनू डबल डबल मजदूरियां करनिया पैंदियां ने घर दा निजाम चलाण वास्ते। बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र दियां विच मुसीबतां पै जांदे, लोग पराए कदी वी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अपनी ओ औलाद दी हर गल सह जांदे, होर वी होइयां दिल दियां दिल विच लै जांदे। किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। आओ लोगो मापियां दी कदर करो, मापियां दा एहतराम करो, इन्हां दी इज्जत करो। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद, एक बार फिर जरा प्यार ना दरूद पढ़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीना दे लाल दे कोर एक बंदा आया शिकायत लैके, कहन लगा महबूब जी मैं शिकायत लैके आया, ते शिकायत भी अपने बाप दी शिकायत लैके आया, अपने अबू दी शिकायत लैके आया वा। आका फरमांदे ने हाँ मैं दस की शिकायत लैके आया। ऐ महबूब जी मेरा अबू ना मैनू दसदा है ना मैनू पुछदा है, ते मेरी जेब अंदरों पैसे नेले लैंदा है, मेरी जेब अंदरों पैसे कट लैंदा है, मेरे बटवे चो पैसे कट लैंदा है। महबूब जी मेरे अबू नूं ते जरा पुछो ना। हजरात मेरे आका ने साबी नूं भेजिया, जाए दे अबू नूं बुला के लिया, जाए दे बाप नूं बुला के लिया। इहदा बाप बुढ़रा जिहा थंदर सोटी फड़ी है, ते बाप जिहड़ा इहदा जनाब साबी आया, कहण लगा बाबा जी तुहानूं नबी पाक ने बुलाया है, ते तुहाडी जनाब नबी पाक दे कोल शिकायत लगी है। बाबा हैरान हो गया, मैं बुढ़े वेले किसे नूं की तंग करना है, किसे नूं की मैं खणा है, मेरियां शिकायतां किन्ने ला दित्तियां ने। अगली गल उहने कीती, बाबा जी तुहाडियां शिकायतां लाण वाला कोई होर नहीं है, तुहाडा अपना ही पुत्तर है, तुहाडा अपना ही लखते जिगर, तुहाडा अपना ही बेटा है। हाय अल्लाह, बाप दा दिल उत्थे जनाब कंब गया, बाप तो उथे मुख गया। हुण भी मैं वेख्या कई पुत्र जिहड़े ने चाचिया ताया नूं जाके दूसरे रिश्तेदारां दे सामने जाके बाप दियां चुगलियां करदे ने, आंदे ने जी तुसी मेरे प्यो नूं समझाओ, तुसी मेरे प्यो नूं आखो। की उहनां नूं जाके उहनां दे सामने बाप नूं बेइज्जत करना, उहनां दे सामने बाप नूं जलील करना, कि तेरे बाप जनाब तेरे बाप अंदर ये उहनां नूं दसना की चाह रहे हैं, अपने रिश्तेदारां नूं की दसना चाह रहे हैं, कि तुसी मेरे बाप अपनों समझाओ ना। वो क्या मेरा बाप ना समझे, अरे मेरे बाप नो समझ नहीं आ रही। अरे ना ना, अपने बाप दियाँ शिकवे, अपने बाप दियाँ शिकायतां इन्हां लोगां दे सामने ना करिया कर। अल्लाह जानदा है इन्हां दा दिल बड़ा दुखदा है, जदों तू इन्हां दियाँ गल्लां लोगां दे नाल जाके करना है, महल्ले वालियां नाल करना है, रिश्तेदारां नाल करना है। ना ना, मापियां दियाँ गल्लां किसे होर नाल ना जाके करिया कर। यह ना आख्या कर मेरा बाप मेरी नहीं मनदा, तुसी समझाओ मेरे बाप नूं, ना ना एहतराम कर लै, इज्जत कर लै। हजरात बाबा तुरया तुरया नबी पाक दे कोल आया है, ते आ करके नबी पाक दे सामने खड़ा हो गया। आका फरमांदे ने बाबा जी तुहाडा पुत्र है, तुहाडी शिकायत लैके आया है। इस बाबे दियां अखां अंदरों जारी हो गए। नबी पाक फरमांदे ने बाबा जी रोंदे क्यों जे, मैं केड़ा कोई तुहानूं सजा देण लगा वा, मैं अजे केड़ा कोई गल करन लगा वा।
हजरात बाबा रोई जाता है रोई जाता है। नबी पाक पुछते ने बाबा जी रोंदे क्यों आ? ए महबूब जी ए जेड़ा सामने खड़ा मेरा बेटा जिन्हिया शिकायतां लैके तुहाडे कोल आया है कि मेरा बाप मेरे पैसे ले लैंदा है। महबूब जी ए जदू छोटा सी ते मेरे नाल तुरिया तुरिया बाजार जांदा सी ते जिहड़ी चीज़ ते हथ रखदा सी मैं कदी अगों अपनी जेब ते हथ नहीं सी रखिया। मैं कदी अपनी जेब नहीं सी कुठी मैं कदी अपना बटवा नहीं सी छुपाया। मैं ना सा पुत्रा जा जो दिल करदे ले लै जिमें दिल कर दे कर लै। और वीरे अज भी तेरा बाप अल्लाह जानदा है आ भुखा रह के तेरे वास्ते बचा के लै आउंदा है। ओ लोगो हाय अल्लाह मैं सगत के जावा कुर्बान जावा इधर जरा तवज्जो मेरे वाल। हजरात बाबे ने नहीं गल की महबूब सुने बचपन ते मैं खर्च करता रहा अज मैं एदा मोहताज होया ते मेरिया शिकायतां लाण लग पिया है। अज मैं एदा मोहताज होया अज मैं कमान जोगा नहीं अज मैं एदा मोहताज शिकायत लैके आउण वाले दे बेटे ते जनाब सीने ते मुक्का मारिया जोर नाल हथ मारिया। अक्का फरमांदे ने अंत व मालू कली अबीका जा दफा हो जा जा चला जा तू ही ते तेरा बाप भी तेरे बाप तू ही ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। मैं इंज कहना छड़ना वा आका फरमांदे ने ओ तेरा माल तेरा बाप जिवें चावे खर्च करे तेनू कोई हक नहीं कि अपने बाप नू तू रोके अपने बाप नू तू सवाल करे। अगली गल सुन एक इंज कहना छड़ना वा आका फरमांदे ने अंत तू ही तेरे बाप वास्ते मैं तेरा बाप तेनू जिवें हुक्म करे तेनू जिवें चावे तेरा बाप तेरे जनाब इस्तेमाल करे। इंज कहना चाहना वा और तेरा बाप तेनू वेच भी दवे ते तू अगो हुकम अगो जनाब गल नहीं कर सकदा अगो तू बोल नहीं सकदा। लोगो इज्जत करो मापिया दी एहतराम करो मापिया दा। आमीन दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने ना मापियां दियां बड़ियां हल्के जनाब कदरां मापियां दियां बड़ी जनाब मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम नूं फिकर ओए एवें ते नहीं सा मेरे आका रब कोलों इजाजत लै के अपनी अम्मी दी कबर ते मकामे बुआ ते चले गए ते जाके मेरे आका रोई जांदे ने। साहबाने अर्ज कीती महबूब जी केड़ा खुश नसीब है जिहदी कबर ते इन्नियां जनाब आंसू बहा रहे ने। आका फरमांदे ने ओ परवाने ओ इह कोई होर नहीं कोई आम नहीं मेरी अम्मी दी कबर है मेरी अम्मी आमना दी कबर है ते मेरे आका अपनी अम्मी दी कबर ते खलो के आंसू वे बहा रहे ने। ए मां दियां मुहब्बतां ते मेरे आका नूं वी याद आईयां ने। ओ लोगो इज्जत करो कुरान ऐलान कर रहा है अल्लाह फरमांदे ने इमा यबलु खन्ना इंदा कल की बारह दुहमा औ के लाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्यो वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौला करीमा। जिंदा ने ते कदर करो एहतराम करो इन्हां दे पैर धोतो के पीवो ते जे दुनिया तू चले जान ते इन्हां वास्ते मगफरत दियां दुआवां करिया करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम रब ने बड़ी बादशाहत अता कीती ते जदों उस चिउंटी दी गल सुनी ना ते मुस्कुरा के ते नाले पता की आंदे ने अल्लाह तू मेरे ते फजल कीता है और मेरे वालदैन ते जितू ये दुआ हज़रत सुलेमान ने दसिया है जितू अपने वास्ते दुआ करनी है नाल अपने जितू कोई अल्लाह का शुक्रिया अदा करन अल्लाह तेरा फजल है मेरे ते नाल मेरे मापिया दे नाले अल्लाह का शुक्रिया अदा करया करो नाल माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। ओए तू मां बाप ना होंदे तू इस काबल ना होंदा ए तेरे मां बाप ने जिन्हां तैनू इस काबल बनाया अज तू उन्हां नूं अपने नाल बिठाना चंगा नहीं समझदा। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह जिन्हां दे वालदैन दुनिया तों चले गए अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए जिन्हां दे जिंदा ने मेरे समेत अल्लाह उन्हां नूं खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। करी साहब ने एक फरमाइश कीती है एक पुरानी एक नज़म है तब्दीली वाली वह सुना दो सुनना चाहते हो वो बोलते नहीं बोलते थक गए तुम गए हो
अदाकारी साहब ने मैंने आख्या ही कि ईशा तक प्रोग्राम मकाना है तो तुम अद्धा घंटा बयान करना है तो अद्धा घंटा रबानी साहब मैं लेट ने हजे भी काफ़ी लेट ने बरहाल उंज भी ईशा का टाइम हो गया उन्होंने इसलिए बयान फिर हूँ ईशा तो बाद होएगा लो नदम सुन लो तो फिर गल मुकाइए ये जी तब्दीली आई है ये तब इस मुल्क अंदर अगर तब्दीली आनी है रब दे कुरान नाल आनी है सुने नबी दे फरमान नाल आनी है और जब कौम पैगंबर की सीरत अपनाएगी तब्दीली आएगी किवें तब्दीली आनी है पैगंबर की सीरत अपनाने नाल ना रियासते मदीना का तो बनते मंदिर ने पे वो बोलते नहीं नाम रियासत मदीना दा जब कौम पैगंबर की सीरत अपनाएगी तब्दीली आएगी जब कौम पैगंबर की सुन्नत अपनाएगी तब्दीली आएगी दीन को इस्लाम को अदल के निजाम को दीन को इस्लाम को अदल के निजाम को लेके हर सो फैलेंगे हम अल्लाह के पैगाम को कोई इंशाल्लाह औची कहो इंशाल्लाह दीन को इस्लाम को अदल के निजाम को लेके हर सो फैलेंगे हम अल्लाह के पैगाम को जब दिल में सहाबा की इज्जत आएगी तब्दीली आएगी ये दो जुमले नात दे भी हो जन मेरा दिल कर दे थानू नात भी सुना देव नात नहीं तुह सुनी सब नाम प्यारे लग देने सब नाम प्यारे लग देने पर सोना नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नाम प्यारे लग देने पर सोना नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद जमाने विच है चर्चायाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लग देने पर सोना नाम मुहम्मद दा ओनू मालो सर्दी लोड़ नहीं किसने मत दी कोई थोड़ नहीं किसने मत दी कोई थोड़ नहीं जर माल तशाया बोल जांदा जो बनदा गुलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लग देने अगला जुमला सुन के तुहाड़ा सीना ठंडा होएगा महबूब ने जद ऐलान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया एक बार उच्ची कहो हाँ सुभान अल्लाह जरा जरा सिद्दीक नाल प्यार करता फिर बोले हाँ जरा महबूब ने जद ऐलान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया वारक तन दिया लीरानो वारक तन दिया लीरानो किता खूब इकराम मुहम्मद मददा सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते साडे आका दा नाम भी सोणा है साडे आका आ भी सोणे ने दुश्मन भी कोल जे आ जांदे
मुख तक लेंदे दिल दे बेंदे दुश्मन भी कोल जे आ जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बांदे दुश्मन भी रात न छुप छुप के काफिर भी रात न लुक लुक के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा अल्लाह से नबी दा पक्का सच्चा ताबेदार बनाए अल्लाह पाक सानू सही माने अंदर किताब सुन्नत अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।